हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज है शनिवार। शनिवार के दिन हम नहा कर, और ये क्लिप है, 11-12 बज रहा है, जो खाना वाना बना कर आए थे, बर्तन वर्तन सब अभी नहीं धोए हैं, खाना वाना बना कर, और बच्चे चले गए हैं स्कूल। अभी कपड़ा था जो हमारे यहाँ कई दिनों से लाइट नहीं आ रहा था, तो जो रोज़ डेली का कपड़ा था तो उसे तो धो देते थे, और जो ये है सब स्वेटर है, साल है, बच्चों का, मेरा है और मेरे हस्बैंड का भी है, वही सब देखिए बहुत दिनों से हो गया था, तो रख कर इकट्ठा हो गया था, कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, जो मोटा मोटा कपड़ा था तो वह नहीं। और मैं कपड़ा धो कर, इसे एक बार में तो जाएगा नहीं, दो बार में जाएगा, तो इसे आज धूप बहुत कड़ाके वाली है तो डाल देंगे, तो इसे सूख भी जाएगा एक ही दिन में। और आज है शनिवार तो मैं काला काला भी साड़ी पहन ली हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा कपड़ा वपड़ा धो कर आ गए हैं छत पर, देखिए यहाँ पर सब फैला दिए हैं, इतना सारा कपड़ा है, सब धो दिए हैं, देखिए लग रहा है रात का सब मच्छर काट दिए हैं, कितना सारा मच्छर काट कर सब बिगाड़ दिए हैं। आज मच्छरदानी ये सब मच्छर काट दिए हैं, और आज मच्छरदानी लगाएंगे क्योंकि मच्छर सब खराब कर रहे हैं काट कर पूरा। इधर भी देखिए पूरा अर्गनी मेरा फूल हो गया है, आज धो दिए हैं क्योंकि कल है संडे, तो संडे को भी बहुत ज़्यादा बच्चों का ड्रेस का वहाँ पर फैला दिए हैं, और कल संडे है तो संडे के भी जानते हैं बच्चों का ड्रेस ना, उनको सब नहवाना वहाना सब चादर उदर सब गंदा हो गया, उसे तो नहीं धोएंगे, दो दिन बाद धोएंगे। और बज रहा है 12:30 हो रहा है, अब भूख बहुत तेज़ी की लगी है, जा रहे हैं खाने। और आज है शनिवार तो शनिवार को खिचड़ी सब्जी बनाए हैं, अभी बर्तन धोना है, बर्तन देखिए खिचड़ी सब्जी ले लिए हैं, अब चलते हैं धूप में खाएंगे, अभी सब बर्तन इसी तरफ फैला है, खिचड़ी सब्जी खाकर तब बर्तन धोएंगे। अब पूरा साड़ी है जो हमारा भींग गया है, इधर देखिए कितनी हवा तेज चल रही है, तेजी से देख रहे हैं, आज हवा भी बहुत तेज चल रहा है। सो गाइस, खाना पहले हम खा लें, इधर हम खाना खाकर आ गए हैं बर्तन धोने। और देखिए कितना तेज कड़ाके वाली धूप हुआ है, बहुत तेज धूप हुआ है, जितना तेज धूप हुआ है उतना ही तेज हवा भी चल रहा है। अब बर्तन धोकर अभी वीडियो का एडिट करना है, तब अभी रात में नहीं किए थे, सो गए, नींद बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग रहा था इसलिए सो गए थे। अब बर्तन धोकर अब वीडियो के एडिट करेंगे, अपलोड करते हैं, उसमें 1-2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, और इतना मेहनत कर कर हम लोग वीडियो बनाते हैं तभी कोई पसंद नहीं करता, नहीं देखता है, नहीं लाइक करता है, प्लीज़ आप ऐसा क्यों करते हैं, अगर देखते हैं तो लाइक कर दीजिए। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कोई भी काम करते हैं तो मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत का कोई भी काम नहीं होता है। इधर देखिए बर्तन धोकर और ये सब झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह लगाए थे तो खाना बनाकर, और देखिए फिर गंदा हो गया, ऐसे धोना है, अभी धोएंगे क्योंकि बहुत दिनों से धोए नहीं हैं, और पूरा मिट्टी मिट्टी सब हो गया, तो झाड़ू लगाकर और पानी लाकर, इसी में उस तरह धान रखा गया है तो इसे धोने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो सावधानी से, क्योंकि धान भीग जाएगा तो सब उसमें अंदर ही अंदर ख़राब हो जाएगा, इसीलिए रोज़ाना नहीं धोते हैं। इधर देखिए ये सरसों का तेल वाला डब्बा है, वही गर्म पानी करती हैं, और इसमें थोड़ा सा सर्फ पाउडर डालकर, और गर्म पानी से जल्दी जो तेल वाला रहता है तो छूट जाता है, तो इसे मल कर ऐसे धोकर धूप में रख के
और कई दिनों से सोच रहे थे आज इसे धोएंगे धोएंगे और धो नहीं पा रहे थे, तो आज गर्म पानी कर कर और धो दिए हैं इसको। और देखिए कितने तेज हवा चल रही है कि पूरा रखे हैं तो ये पूरा अपने आप हवा की वजह से जाकर इधर रुक गए हैं। और पूरा दिन काम काम करते करते आज हम बहुत थक गए हैं, कपड़ा भी बहुत अधिक धो दिए हैं। और धोकर और इधर देखिए निधि, इसके पापा कह रहे हैं कि निधि मैगी बना दो, तो हमें को बोले हैं तो करेंगे नहीं, हमको वीडियो एडिट करना है तो हम नहीं बना पाएंगे। तो इधर निधि बना रही है मैगी, क्योंकि इसे मैगी है अब पूरी छलना माइक्रोनी पास्ता बहुत पसंद है, तो हम बनाते भी तो हमको बनाने नहीं देते, कहते कि मम्मी हम बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ झंझट नहीं रहता है बनाने में। बहुत ये मैगी वैगी बहुत खाने में बच्चे जानते हैं कि मैगी खाने में बहुत पसंद करते हैं। अगर देखिए बनाकर इसमें पानी कितना अधिक डाल दिए हैं, बोले थे कि पानी कम डालना, तो पानी देखिए अभी सूखा नहीं बनाई थी, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी जलाना पड़ा, 10 मिनट का अधिक 15 मिनट लग गया इसे जलाते जलाते। अभी बनाकर और छूट भी कर रही है। इधर शाम हो गया है, ये कपड़े जो सुबह डाले थे सूख गया, इसे उतार कर अभी खाना भी बनाना है। तो इसमें खाना वाला बनाए थे पराठा आलू का और सब्जी, तो नहीं इसमें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, तो इसीलिए छोटा ही वीडियो बनाए हैं। वो पराठा वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सारा कपड़ा उतार कर रख देंगे, नहीं तो कभी कभी भूल जाते हैं तो शीत की वजह से ही भींग जाता है रात में। और इधर पापा का भी जूता सुबह में धो दिए थे, अभी सूखा नहीं है, अभी धूप धूप कल धूप में डालेंगे तो सूख जाएगा। और इधर कपड़ा जो ये जींस है थोड़ा सा मोटा है तो वह भींगा था, तो इसी पर रख देंगे तो रात भर में सूख जाएगा, क्योंकि अब गर्मी का तो ज़्यादा ठंड अधिक नहीं पड़े, सिर्फ सुबह शाम की ठंड है। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, पसंद आए तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके यहाँ पहुँचे। राधे राधे दोस्तों।